नमस्कार, मैं हूं अवनी चौधरी और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। आपको बता दें, किसानों का आंदोलन चले हुए लगभग पूरा एक साल पूरा होने को है और इसी के साथ साथ किसानों के इसमें अनेक संघर्ष भी रहे हैं जिस पर अब तक कोई फैसला नहीं किया गया था। लेकिन आज किसानों के लिए बेहद ही खास दिन है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी गुरु पर्व के मौके पर एक बड़ा ऐलान किया है। देश को संबोधित करते हुए 3 कृषि खेले कानूनों को वापस ले लिया गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने देशवासियों से माफी मांगते हुए कहा है कि मैं क्षमा चाहता हूं कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, कुछ किसान भाई समझ नहीं पाए। आज गुरु नानक देव का पर्व है, यह वक्त किसी को दोष देने का नहीं है। आज के पूरे मुल्क को बताने आया हूं कि सरकार के 3 खेती कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए किए गए इस बड़े ऐलान के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि अब दिल्ली में लंबे अरसे से चल रहा प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, अभी ये आंदोलन खत्म नहीं होगा क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत के मन में कुछ और ही चल रहा है। दरअसल राकेश टिकैत का कहना है कि वो अभी भी आंदोलन जारी रखेंगे। राकेश टिकैत ने ट्वीट के जरिए एक बड़ा ऐलान किया है कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम इस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा और सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों को दूसरे मुद्दे पर भी बात करेगी। बता दें कि 17 सितंबर 2020 को पार्लियामेंट में पास हुए इन कानूनों के खिलाफ पहले पंजाब में और फिर दिल्ली के सरहदों पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान संगठनों की मांग थी कि सरकार इन 3 विवादित कानूनों को वापस ले। उनका तर्क था कि इन कानूनों को किसानों की भलाई नहीं होने वाली बल्कि इनकी मुसीबतों में इजाफा हो जाएगा। साथ ही किसानों का कहना था कि इस कानूनों के जरिए सरकार एमएसपी को खत्म कर देगी और इन्हें उद्योगपति के रहमोकरम पर छोड़ देगी। हालांकि सरकार का कहना था कि इन कानूनों के बाद कृषि के क्षेत्र में नए मौके प्राप्त होंगे, साथ ही किसानों को आमदनी में भी इजाफा होगा। इसको लेकर सरकार और किसानों के बीच कई दौर में बातचीत हुई, लेकिन किसान और सरकार अपनी अपनी मांगों को लेकर अटे रहे और किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे जा सके। जिसके बाद आज पीएम मोदी ने अचानक ही ये बड़ा फैसला लेकर सबको हैरान कर दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि चंडीगढ़ में आज किसानों ने सड़कों पर अपना झंडा लहराकर खुशी जाहिर की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किसान ढोल नगाड़ों की धुन पर किस तरह झूमते नजर आ रहे हैं। इसी बीच जब अर्थप्रकाश संवाददाता ने किसानों से बात की तो उनका क्या कुछ कहना है हम सुनेंगे। की कहना चाहूंगे? खुशी की लहर चल रही है। राकेश टिकैत का बयान आया है इस बार कि जब तक संसद में ये कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक आंदोलन चलता रहेगा। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को जवाब देंगे। मेरे गुरु ने बिठाया क्या लगता है, लाल किले और ये आपका लखीमपुर खीरी पे इतने बड़े बड़े हादसे हुए हैं, तब भी मोदी जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एकदम से आकर इतना बड़ा फैसला लिया है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? लक्षण आ रहा है ना, लक्षण है। ये कुत्ते को कुत्ता भौंकेगा नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी, ये भौंकेगा कुत्ता उसको रोटी मिलेगी। क्या लगता है ही होगा? किसानों का कहना है कि मोदी ने यह सब इलेक्शंस के लिए क्या है, हम इस बहकावे में नहीं आएंगे और ये आंदोलन तब तक बरकरार रहेगा जब तक संसद में यह कानून रद्द नहीं हो जाते। खैर, ये तो वक्त ही बता पाएगा कि कितना वक्त लगेगा संसद में ये कानून वापस लेने का और संसद वापस करेगी भी या नहीं, ये भी अभी कोई कन्फर्म नहीं है। इसी ऐसे ही कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बनी रही अर्थप्रकाश टीवी पर। मैं अभी चौधरी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।